गणेशाय नमः ॐ गुरुवे नमः श्रीरामचन्द्राय नमः श्रीरामरक्षास्तोत्रं पद्ममहापुराणान्तर्गतम् इदं पवित्रं परमं भक्तानां वल्लभं सदा ध्येय हि दास भावन भक्ति भावन चेतसा परम सहस्रनाख्यम ये पठन्ति मनीषिण सर्व पाप विनिर्मुक्ता ते या हरिसनिध श्री महादेव उवाच देवी प्रवक्षयामि महातम्यम केशवस्य तु ये श्रृण्वती नर श्रेष्ठा ते पुण्य पुण्य रूपिण विनियोग ओम राम रक्षा स्त्रोत्र श्री महर्षि विश्वामित्र ऋषि श्री रामो देवता अनुष्टुप छंद श्री विष्णु प्रीत्यर्थे जपे विनियोग ध्यानम अतसि पुष्प संकाशम पीतवास समचितं ध्यात्वा वैपुंडरीकाक्षम श्रीरामं विष्णुं अव्ययम् स्तोत्र पातु वो हृदयं रामः कंठम कंठं एवच नाभिं पातु मखत्राता कटिम् एव विश्व कर पा दासरथी पाद मे विश्वपृक चक्षुषी वै वैदे पतिर शिखा मे पातु विश्वात्मा कर्ण मे पातु कामद शिखा मे पाँ विश्वात्मा कर्ण मे पाँ काम पार्श्योस्त सुरत्राता कालकोटिदुरासद अन सर्वदा पातु शरीर विश्व जिह्वा मे पाँ पापघ्नो लोकशिक्षा प्रवर्तक राघव पाँ मे केशान रक्षतु केशवः सखिनी पातु मे दत्त विजयो नाम विश्वस्रिक। एताम राम विश्वसृकतालोपेता रक्षा यो वैपुमा पठे सचिरायु सुखी विद्वान लभते दिव्य समा कौति भूतेभ्य सदा रक्षत वैष्णवी रामेति राम भद्रेति राम चंद्रेति यमरे विमुक्त स नर पापन मुक्ति शाश्वती फलश्रुति वसीन प्रो गुर विष्णु तो मे ब्रह्मण प्राप्तं मयोक्त नारद प्रति नारदेन भूर्लोक प्राप्त सुजनेश्विह सुथ गृहेवागे गच्छेत वा ये नर नरश्रेष्ठ ते नापुण्यभागिन श्रीपाद्मे महापुराणे पंचपंचाश्त्साहहस्रिया संहितायाम उत्तर खंडे उमापति नारद संवादे राम रक्षा स्त्रोत्र नाम त्रि सप्तति अध्यायः अब इस स्तोत्र से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी इस स्तोत्र के प्रारंभ में कुछ श्लोक हैं जिन्हें हम पूर्व पीठिका का भाग कह सकते हैं इसमें महादेव जी माता पार्वती को बता रहे हैं अगर आप इस स्तोत्र का 21 इक्यावन 108 पाठ प्रतिदिन करना चाहते हैं तो पूरे स्तोत्र को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है प्रारंभ के कुछ श्लोक पूर्व पीठिका के भाग हैं उन्हें एक बार ही पढ़ें बाद में विनियोग करें विनियोग के बाद ध्यान मंत्र यहाँ दिया हुआ है श्लोक संख्या एक में श्री राम जी का ध्यान मंत्र है ध्यान मंत्र में कहा गया है अतसी पुष्प संकाशम पीतवास समचितम अतसी का पुष्प का जो रंग होता है इसी तरह श्री राम जी का रंग है और पीले वस्त्र में है तो इस तरह से ध्यान मंत्र है यहाँ अतसी का फूल भी दिखाया गया है और श्री चंद्र जी का चित्र भी है देखें तो इस तरह से ध्यान करने के बाद एक पूजा कर ले और पूजा के बाद यह स्तोत्र श्लोक संख्या दो से बार बार पुनरावृत्ति करें श्लोक संख्या आठ तक श्लोक संख्या दो से आठ तक की ही बार बार आवृत्ति होगी विमुक्त स नरः पापान मुक्तिम प्राप्नोति शाश्वतिम इसके बाद का जो कुछ श्लोक है इसे हम उत्तर भाग कह सकते हैं फलश्रुति का भाग कह सकते हैं इस भाग में कहा गया है कि किस ऋषि ने किसको कब इस स्तोत्र को प्रदान किया और श्लोक संख्या ग्यारह में कहा गया है कि अगर कोई मनुष्य सो रहा हो या घर में हो या मार्ग में हो मार्गे गच्छेत एव तो इसके पाठ से वह पुण्य का भागी होता है कुछ अन्य शब्द भी यहाँ देख लेते हैं पद्म महापुराणांतर्गत अगर बोलने में कठिनाई हो तो पद्म महापुराण अंतर्गतम बोल लें पुंडरीक काक्षम पुंडरीक अक्ष के लिए होता है अक्ष यानी नयन आँख पुंडरीक कमल के लिए होता है तो पुण्डरी काक्षम का अर्थ कमल नयन है कमल जैसे नयन वाले तो यहाँ भगवान विष्णु के लिए है रामचंद्र जी के लिए है अगर पारश्व में कठिनाई हो तो पारश्व योह बोल ले यो राम बलो पेताम उपेताम मतलब होता है उससे निहित उससे घिरी हुई कवर्ड सपोर्टेड कंसिस्ट ऑफ या उससे यूनाइटेड तो यह रक्षा स्त्रोत्र श्री राम जी की शक्ति से बना हुआ है इसमें राम जी की शक्ति निहित है और त्रि सप्तति सेवेंटी थ्री को बोलते हैं तो यह सेवेंटी 73, थ्री सेवेंटी थर्ड चैप्टर में आपको मिल सकता है इसकी पी की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है आप वहाँ से पी की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद श्री राम चंद्राय नम श्री राम चंद्राय नम श्री राम चंद्राय नम